गायकी के शौकीनों के लिए शानदार खबर है। सुर संसार सीजन 1 की शानदार सफलता के बाद अब सुर संसार सीजन 2। वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चराग़े मोहब्बत जलाए बुझाए। KBC एक बार फिर लेकर आ रहा है आपका मनपसंद गायकी का कंपटीशन सुर संसार सीजन 2। इस कार्यक्रम में भाग लेकर आप अपनी गायकी और अपनी आवाज को राष्ट्रीय पहचान दे सकते हैं। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए आपको निम्न बातों का अनुसरण करना होगा। नंबर 1, सबसे पहले आप अपनी आवाज में अपनी पसंद के एक फिल्मी गाने की वीडियो रिकॉर्डिंग करें और हमें हमारे व्हाट्सएप नंबर 9297979705 पर भेज दें। नंबर 2, गाने की रिकॉर्डिंग करते समय इस बात का ध्यान रखें कि इसमें किसी भी तरह का ट्रैक म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक ना हो। नंबर 3, गाने को भेजते समय अपना पूरा नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और एज का उल्लेख अवश्य करें, साथ में अपना आधार कार्ड भी भेजें। अपने नाम, पते, मोबाइल नंबर और एज को आप गाने के पहले बोलकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। नंबर 4, इस प्रतियोगिता में 16 वर्ष से लेकर 35 वर्ष तक के प्रतिभागी ही भाग ले सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों। नंबर 5, प्रतियोगिता में कुल 7 राउंड होंगे। नंबर 6, प्रतियोगिता के विजेताओं को प्रथम पुरस्कार के रूप में 1,00,000 रुपए, द्वितीय पुरस्कार के रूप में 75,000 रुपए और तृतीय पुरस्कार के रूप में 50,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इसके अलावा 4 नंबर से 14 नंबर तक के 11 विजेताओं को स्पेशल पुरस्कार भी दिए जाएंगे। नंबर 7, गाना भेजने की अंतिम तारीख 10 जुलाई 2024 है। नंबर 8, प्रतियोगिता में भाग लेने का कोई शुल्क नहीं होगा। प्रतियोगिता के नियम एवं विजेताओं के निर्णय का अंतिम अधिकार आयोजक KBC न्यूज के पास सुरक्षित रहेगा। जिस व्हाट्सएप नंबर पर आपको अपना गाना भेजना है उसे याद रखें 9297979705, आयोजक KBC न्यूज कटिहार। प्रतियोगिता के बारे में विशेष जानकारी के लिए आप हमारे KBC न्यूज कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है KBC न्यूज कार्यालय, बनिया टोला, बड़ा बाजार, कटिहार। फोन नंबर 06452-242601 और 06452-242700। कुरसेला NH-31 मानव सड़क हादसों का केंद्र बन चुका है। आए दिन यहां पर भीषण सड़क हादसे होते ही रहते हैं। अब आप आज मंगलवार की सुबह लगभग 10 बजे कुरसेला थाना क्षेत्र के कोसी पुल NH-31 सड़क के सिमरगाछी के पास घटी भीषण सड़क दुर्घटना को ही ले लीजिए। यहां बस और पिकअप की आमने सामने की टक्कर हो गई। इस टक्कर में दर्जनों लोग घायल हो गए। हुआ यूं कि भागलपुर से पूर्णिया जा रही बस की NH-31 कोसी पुल के पास नौगछिया जा रही पिकअप से टक्कर हो गई। इस टक्कर से बस में सवार यात्रियों की चीख पुकार निकल गई। बस के आगे बैठे यात्री घायल हो गए, जबकि एक दर्जन से अधिक बस यात्रियों को आंशिक चोटें आई हैं। इस सड़क दुर्घटना के बाद जिन बस यात्रियों को चोटें आई हैं, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं जो बस यात्री ठीक थे वह अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। वहीं घटना के बाद पिकअप और बस के चालक व उपचालक मौके से फरार हो गए। इस टक्कर से सड़क पर लोगों की भीड़ लग गई। जैसे ही इस घटना की सूचना पुलिस को मिली, पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल यात्री विनोद झा और सूरज कुमार को इलाज के लिए कुरसेला स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने घायल का प्राथमिक उपचार किया। चढ़े ही थे, सामने से कोई मैजिक था और आमने सामने टक्कर हो गया। आप लोग कहां से आ रहे थे? हम लोग भागलपुर से आ रहे थे। भागलपुर से आ रहे थे, उधर से कौन सी गाड़ी आ रही थी? उधर से मैजिक थी, मैजिक थी, उसमें कुछ मुर्गा सब सवार था, लोग था। अच्छा। और हम लोग भागलपुर से आ रहे थे तो आमने सामने टक्कर हुआ, अचानक ब्रेक लगा ना, हम लोग को झटका लगा, हम लोग आगे ठुका घूमे। कितना आदमी लगभग घायल हुआ है बस में? 10 प्लस है। और सब आदमी सब निकल गया क्या वहीं से? जिसको जहाँ सहूलत मिला वहाँ निकल गए। ये जोरदार टक्कर रहा वहाँ? टक्कर जोरदार था। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सूरज कुमार। कहाँ के रहने वाले हैं आप? भागलपुर। भागलपुर के जा कहाँ रहे थे? पूर्णिया।
पुलिस ने क्षतिग्रस्त बस और पिकअप को सड़क से साइड करने के बाद सड़क पर वन वे परिचालन शुरू किया। कुछ देर बाद सड़क पर परिचालन सुचारू रूप से चालू हो गया।